एक बार जब आप लगातार ध्यान करने लगते हैं तो ध्यान आपका नेचर बन जाता है। जहाँ मन खत्म होता है वहाँ से ध्यान शुरू होता है। ध्यान क्लैरिटी का स्टेट है, ये मन का स्टेट नहीं है, क्योंकि मन कभी भी साफ नहीं होता और ना ये कभी साफ हो सकता है। स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती है, अगर सही मायने में स्वर्ग है तो वो आपके अंदर ही है। रिसेंटली मैंने खुद ये महसूस किया कि इस भागती हुई दुनिया के साथ चलने के चक्कर में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, फोकस घट रहा है। द थिंग इज, जो चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे रोज मेडिटेशन करना या हेल्थ का ध्यान रखना, इन सब के लिए भी वक्त नहीं निकल रहा है। लाइफ का कंट्रोल मेरे खुद के हाथ से छूट रहा था। तभी मेरी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जिसे मैंने कभी नहीं पढ़ा था। वो किताब थी लर्निंग टू साइलेंस द माइंड, जिसे ओशो ने लिखा है। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे मिल गए, जिंदगी वापस से सुलझ सी गई। तभी मुझे लगा शायद ये हम सभी के साथ होता है, इसलिए ये बुक और ये वीडियो आई एम श्योर सभी के बहुत काम आने वाली है। आजकल हम इस बात को बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि साइलेंस यानी कि शांत रहना हमें एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाता है। कहीं ना कहीं इस भागती हुई दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ। चाहे हम करियर में ग्रोथ चाहते हों, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हों या फाइनेंशियली बेटर बनना चाहते हों, सबका सोल्यूशन साइलेंस ही है। इस किताब से हम अपने दिमाग को शांत करने के तरीके के बारे में जानेंगे, जिसके जरिए हम अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव या चिंता देने वाले विचारों को खुद से दूर रख सकते हैं। ओशो कहते हैं हमारे दिमाग में रोज की चुनौतियों से निपटने में ज्यादा क्रिएटिव होने की एबिलिटी है। आज के समय में काफी ज्यादा बिजी स्केड्यूल की वजह से स्ट्रेस, चिंता या कई तरह की मेंटल बीमारियों का होना आम बात है, और इन सभी को खत्म करने के लिए मन को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किताब में ओशो नाद ब्रह्म मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, जिसे हम डिटेल में जानेंगे। इस किताब को बहुत अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को 10 चैप्टर्स में बांटा गया है। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारी समरीज कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए चैप्टर को बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेडिटेशन यानी कि ध्यान क्या है? हम सभी लोग अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपनी समझ को बढ़ाते हैं, और समझ के बढ़ने का अपना तरीका होता है। अगर जरा सी भी समझ सही जगह दिल से लगाई जाए तो वो अपने आप बढ़ने लगती है। कॉन्सेंट्रेशन एक पॉइंट पर फोकस्ड माइंड होता है, मतलब अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान का इस्तेमाल करना होगा। जब आपका मन किसी एक चीज पर फोकस होता है तो बाकी सबको छोड़कर आप उस चीज में अपनी पूरी समझ बढ़ा सकते हैं। ध्यान करने से आप जागरूक नहीं बल्कि अपनी समझ को बढ़ा रहे होते हैं। विज्ञान अपने प्रोसेस के रूप में कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करता है। फिलॉसफी अपने सिस्टम के रूप में थिंकिंग का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही धार्मिकता थिंकिंग का इस्तेमाल भी नहीं करती, क्योंकि उसका रिलेशन किसी चीज से नहीं होता। धार्मिक कंसर्न उसके साथ है जो कॉन्सेंट्रेट होता है या उसके साथ सोचता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धार्मिकता ना ही कॉन्सेंट्रेशन है और ना ही थिंकिंग, ये एक ध्यान है। आप भगवान से अपना रिश्ता भगवान के जरिए ही बना सकते हैं। लोग भगवान से जुड़ने के लिए धर्म की कॉमन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो पुजारी को नजरअंदाज कर सकें। पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पुजारी की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो एक अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस लैंग्वेज के जरिए वो आपकी धार्मिकता को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, जिसके लिए वो ध्यान का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि ध्यान आखिर है क्या? ध्यान कोई एक्शन नहीं है, मतलब अपने शरीर और अपने मन से चुपचाप बैठना और कुछ भी नहीं करना एक तरह का ध्यान है। जब आप फिजिकल, मेंटल किसी भी लेवल पर कुछ नहीं कर रहे होते हैं, मतलब जब सभी तरह की एक्टिविटीज बंद हो गई हैं और आप बस शांत हैं, तो बस यही ध्यान है। आपको ध्यान करने के लिए इसे समझना होगा। जब भी आपको सिर्फ रिलीजियस होने के लिए समय मिले तो बाकी सब करना छोड़ दें, भले ही एक पल के लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हों और आप बिल्कुल अपने सेंटर में हों और आराम कर रहे हों, आप इस समय ध्यान कर रहे होते हैं। ध्यान आपको जीने का एक नया तरीका सिखाता है। ध्यान करना बहुत ही आसान है, हालांकि कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको खुद को मजबूर करना पड़ता है। ये थोड़ा थकाऊ भी होता है। सोचना आसान होता है क्योंकि आपके पास सोचने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और इसलिए ध्यान करना सबसे बेहतर तरीका होता है। ध्यान में ही सारा एग्जिस्टेंस मौजूद होता है। ध्यान करने के लिए आपको किसी भी पोस्चर में बैठने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान करने के लिए बस ध्यान को एक मौका देना है, और जब सही समय आता है और जिस समय आप स्ट्रेस फ्री और खुले होते हैं, बस तभी से आप ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप लगातार ध्यान करने लगते हैं तो ध्यान आपका नेचर बन जाता है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान आपका नेचर है। अब तक हमने जाना कि ध्यान क्या है और ये कैसे किया जाता है। अब हम जानेंगे कि लगातार ध्यान करने से ये आपका नेचर कैसे बन जाता है। लोग अक्सर दिमाग को ध्यान से जोड़ते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि ये मन जो कुछ कर सकता है वो ध्यान नहीं हो सकता। जहाँ मन खत्म होता है वहाँ से ध्यान शुरू होता है।
हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो मन से करते हैं। फिर जब हम अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो हम फिर से तकनीकों, तरीकों और काम करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का सारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि सब कुछ मन के जरिए किया जा सकता है। ये काफी हद तक सही भी है, और ध्यान को छोड़कर सब कुछ मन से किया जा सकता है। ध्यान कोई अचीवमेंट नहीं है, ये आपका नेचर होता है। ध्यान आपका इनर नेचर है। सीधे शब्दों में कहें तो ध्यान का मतलब आपसे है। ध्यान आपका एग्जिस्टेंस है और इसका आपके काम से कोई लेना देना नहीं होता है। ध्यान क्लैरिटी का स्टेट है, ये मन का स्टेट नहीं है, क्योंकि मन कभी भी साफ नहीं होता और ना ही कभी साफ हो सकता है। मन में आने वाले लाखों विचार आपको क्लैरिटी हासिल करने से दूर रखते हैं। मन में आने वाले विचार अपने हिसाब से तय होते हैं, आपको उनके बीच कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई इच्छा आपके मन से गुजरती है तो बहाव मैला हो जाता है। इस वक्त आपको बस थोड़ा शांत बैठना है और कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी है। मन के बारे में पहली बात यह है कि ये हमेशा सोचता रहता है आप बात कर रहे हैं या नहीं। मन हमेशा अंदरूनी बातें करता रहता है। अगर आपका मन थोड़े समय के लिए शांत हो सकता है तो वो ध्यान कर सकता है, लेकिन मन में हमेशा कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। ध्यान करने वाला इंसान चंचल होता है, जीवन उसके लिए मजेदार है और वो इसका जमकर मजा लेता है। वो आराम से अपने जीवन को जीता है, इसलिए चुपचाप आराम से ढीले बैठे और बस अपना ध्यान अपने अंदर लगाएं। मन कुछ और नहीं बल्कि वो शब्द है जो आपने जमा किए हैं। साइलेंस वो है जो हमेशा से आपके साथ रहा है, और यही हमारा मतलब होता है। सीधे शब्दों में कहें तो मन शब्द है और साइलेंस का मतलब सेल्फ है। साइलेंस ध्यान है, और अगर आप एक भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप साइलेंस नहीं हो सकते। यही मंत्र का इस्तेमाल करना होता है। मंत्र का इस्तेमाल एक शब्द को बार बार दोहराना है। जब आप एक शब्द को बार बार दोहराते हैं तो आप उस शब्द से बोर हो जाते हैं और कुछ नया चाहते हैं, इसलिए आप साइलेंस को चुनते हैं। बहुत से लोग जो लंबे समय तक भूखे रहते हैं वो सोचते हैं कि उन्होंने ध्यान को हासिल कर लिया है, लेकिन ये ध्यान नहीं है। ये सिर्फ कम एनर्जी पैरालिसिस पर इनसेंसिटिविटी है। आप लंबे समय तक भूखे रहकर जो करते हैं उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका विचार है कि एक एसेटिक होना रिलीजियस होता है। तभी लाखों लोगों की भीड़ ऐसे योगियों के पास जमा रहती है। ध्यान आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बुद्धि लाएगा। अपने दिमाग के अंदर एक बहुत ही गहरी नजर रखें, देखें कि उसकी इंस्पिरेशन क्या है। जब आप कुछ करते हैं तो तुरंत इंस्पिरेशन की तलाश करें। मन की बहुत ज्यादा ना सुने, क्योंकि इससे आप ध्यान लगा पाएंगे। कुछ नया करने की कोशिश करें और मन आपको कम कंट्रोल कर पाएगा। ध्यान रखें, समझ कभी भी पुरानी नहीं होती है। जब भी आपके पास दो चीजें हों, दो ऑप्शन हों, तो कुछ नया और मुश्किल चुनें। वो चुनें जिसमें ज्यादा जागरूकता की जरूरत होती है। एफिशिएंसी पाने के लिए हमेशा जागरूकता को चुनें, और आप ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जिसमें ध्यान करना पॉसिबल हो जाएगा। इसके साथ ही कम स्किल्ड लेकिन ज्यादा क्रिएटिव बने और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़े। ध्यान की सक्सेस और फेलियर। आज के लोग पहले के मुकाबले काफी अमीर बन चुके हैं। आज अमीरी तो है, लेकिन लोग अपनी अमीरी को जरा भी महसूस नहीं कर रहे हैं। लोगों को आज भी लगता है कि वो बहुत गरीब हैं। जब आप बाहरी रूप से गरीबी को महसूस करते हैं तो आप कभी भी अंदरूनी गरीबी की तरफ जागरूक नहीं हो सकते, और जब आप बाहरी रूप से अमीर होते हैं तभी आपको अपनी अंदरूनी गरीबी का पता चलता है। मतलब इंसान जितना ज्यादा अमीर बनता जाता है वो अपने अंदर के सुख शांति को महसूस करना छोड़ देता है, जिससे उसको कमी का एहसास होता रहता है। हालांकि गरीबी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बल्कि गरीबी स्पिरिचुअलिटी के गायब होने का कारण है। जितने ज्यादा लोग अमीर होते हैं उतना ही वो स्पिरिचुअल बनते हैं, और जब बाहरी गरीबी अंदरूनी गरीबी से मिलती है तब लोगों को झूठी सेटिस्फेक्शन होती है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, तीनों नॉन इंडियन धर्म गरीबी में पैदा हुए थे। वो ध्यान की तकनीक डेवलप नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं थी, जबकि ये तीन महान भारतीय धर्म इन्फ्लुएंस से पैदा हुए थे, इसलिए तीनों नॉन इंडियन धर्म तीन महान भारतीय धर्मों की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसके साथ ही साइंस ने बाहरी रूप से अमीर बनने की तकनीक डेवलप की है, लेकिन धर्म ने अंदरूनी रूप से अमीर बनने की टेक्निक डेवलप की है। ये टेक्निक्स योग, तंत्र, ताओ धर्म, सूफीवाद, हसीदवाद है, जो आपको अंदरूनी नॉलेज के साथ अमीर बनाते हैं। ध्यान जीवन है, आजीविका नहीं। आप जो करते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जो हैं उसके साथ सब कुछ है। जो इंसान हर चीज की कैलकुलेशन करता रहता है वो इंसान कायर होता है। वो बहुत ज्यादा सोचता है और वो आसानी से कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। यहाँ कामयाबी हासिल करने का मतलब ध्यान से है। ध्यान का इस्तेमाल करके आप सिर से दिल तक और आखिर में दिल से पावर तक पहुँचते हैं। जो लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं वो चालाक होना सीखते हैं। बुद्धिमान लोगों को चालाक होने की जरूरत नहीं होती है, वो सब कुछ समझकर काम करते हैं। चालाकी से बुद्धि नहीं आती है। जिस तरह बिजनेस सिर्फ एक बाहरी चीज का होना चाहिए, उसी तरह आजीविका का सिर्फ एक तरीका होना चाहिए।
जब आप अपनी दुकान बंद करते हैं तो अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए जब आप अपने घर पर आते हैं तो अपने दुकान की परेशानियों और काम को अपने दिमाग में ना रखें। धर्म और उनके लोग आपको बताएंगे कि आप एक व्यापारी रहते हुए भी स्वर्ग में जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको परोपकारी बनना होगा, इसलिए परोपकारी बने और कुछ दान दें। गरीबों को दान करें, मंदिर या चर्च या अनाथालय या स्कूल या हॉस्पिटल को दान दें। आप जितना ज्यादा दान करते हैं आपको उतना ज्यादा मिलता है। आपके दिए गए दान के बदले में आपको अपने बाद के जीवन में इनाम दिया जाएगा। सिर्फ वो पुण्य मतलब सिर्फ वो काम करें जो आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों का शोषण करते हैं तो आप हमेशा उन्हें एक हिस्सा वापस दे सकते हैं। स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर सही मायने में स्वर्ग है तो वो आपके अंदर ही है। आप खुद अच्छे काम करके स्वर्ग में रहना शुरू कर सकते हैं। आप दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन आप यहाँ अपना दिमाग नहीं छोड़ सकते। आपका दिमाग आपके साथ इस दुनिया से चला जाएगा क्योंकि आपका दिमाग आपके अंदर है और आप कहीं भी हो आपका वही मन आपके चारों तरफ उसी तरह की दुनिया को बनाएगा जिस तरह से आप सोचते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप जैसी सोच रखते हैं आपको दुनिया भी उसी तरह से नजर आती है। ध्यान करने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा, तभी जाकर आप सही मायने में अंदरूनी शांति के साथ ध्यान शुरू कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, ध्यान ही आपका जीवन है, इसलिए पूरी शांति के साथ ध्यान करने की कोशिश करें। आजकल की कॉम्पिटिटिव लाइफ में हम अक्सर अपने अंदर की आवाज को भूल जाते हैं। हम अपने आप पर ही भरोसा करना भूल गए हैं। लुई से की बेस्ट सेलिंग किताब द पावर विद इन यू से आपको कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक्स पता चलेंगी जिससे आप अपने अंदर की पावर को महसूस कर सकते हैं। मिरर टेक्निक, मैनिफेस्टेशन यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स जैसी टेक्निक की डेली प्रैक्टिस से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस बुक समरी को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। आप भी कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। वॉक करते हुए, ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। खुशी जीवन का गोल है। ध्यान खुशी हासिल करने का एक रिसोर्स है। हम सभी अपने जीवन में खुशी हासिल करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं और ध्यान एक ऐसा रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ज्यादा खुशी हासिल कर सकते हैं। हालांकि खुशी बहुत कम पल के लिए रहती है, लेकिन ध्यान का इस्तेमाल करके आप गहराई से खुशी को महसूस कर सकते हैं। हमारा नेचर सभी स्पीसीज का रिप्रोडक्शन करना चाहता है और नेचर ने खुशी के रूप में एक टूल तैयार किया है। नेचर का टूल वो खुशी है जो आप एक पल के लिए हासिल करते हैं। ये उस खुशी के लिए है जिसे आप दोबारा जाहिर करने के लिए तैयार होते हैं। उस खुशी की वजह से ही इंसान किसी भी तरह की बेवकूफी भरी बात करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये सिर्फ केमिकल घटना है जो हार्मोनल या शारीरिक रूप से होती है। सिर्फ एक पल की खुशी मिलना आपके जीवन की असल खुशी नहीं है। बेशक आपको जब एक पल की खुशी मिलती है तो आप हैप्पीनेस को महसूस करते हैं। सफल लोग ही जानते हैं कि सक्सेस कितनी थका देने वाली चीज होती है। उन्होंने पैसा जमा करते हुए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया होता है और बाद में कहते हैं कि ये बेवकूफी है। इस बात को पहचानने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। पैसे इकट्ठा करना असल खुशी होती है, ये सब जानना एक बेवकूफी थी और हम सभी एक मूर्ख जीवन जी रहे हैं। असल में जब भी हमारा ईगो सेटिस्फाइड होता है तो हम हमेशा खुश हो जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि ऐसी खुशी असल का सुख नहीं है, बल्कि जब आप अपनी ईगो, अपनी पर्सनैलिटी, अपने शरीर मन की कॉम्प्लेक्सिटी को अलग रख सकते हैं और आप अपनी समझ के साथ ध्यान करना शुरू करते हैं तो इसके साथ ही आप ग्रेट जॉय को हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ध्यान करने से ही आपको अंदरूनी और असल खुशी महसूस हो सकती है। हर कोई जन्म से ही रहस्यवादी होता है। कोई भी इंसान मामूली नहीं होता क्योंकि हर इंसान अपनी खूबियों से अनोखा होता है। हर एक इंसान इतना ज्यादा अनोखा होता है कि उसे कभी भी दोहराया नहीं जा सकता। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि ध्यान मिस्टिक्स लोगों के लिए होता है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हम में से हर कोई जन्मजात रहस्यवादी होता है, क्योंकि हर कोई अपने अंदर एक मिस्ट्री रखता है जिसे महसूस करना बाकी है। रहस्यवादी लोग वो हैं जो जीवन की मिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जीवन थ्रिल और एक्सप्लोरेशन से भरा हुआ है। हर बच्चा अपने जीवन की शुरुआत इस तरह के सरप्राइज, अमेजमेंट और क्यूरियोसिटी के साथ करता है। इसलिए हर बच्चा एक रहस्यवादी होता है और हम सभी बड़े होने से पहले एक बच्चे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी लोग रहस्यवादी हैं। हमने बस इस मानने वाले विचारों को नजरअंदाज कर दिया है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप आसानी से ध्यान ज्यादा फोकस के साथ कर सकते हैं। मन एक चैटर बॉक्स है। मन बस एक बायो कंप्यूटर की तरह है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई दिमाग नहीं होता, उसके अंदर कोई बात नहीं चल रही होती है। मन को सोचने के लिए जानकारी की जरूरत पड़ती है और तुरंत जन्म लिया हुआ दिमाग कभी भी जल्दी से जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकता।
इसलिए अगर आप अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करते हैं तो आप 4 साल की उम्र तक की चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वो पहली बार बोलना शुरू करते हैं तो एक ही शब्द को कई बार दोहराते हैं, जिस शब्द को सुनकर लोगों को बहुत खुशी होती है। मतलब ये हुआ कि इस समाज में लोग साइलेंस से ज्यादा शब्दों को पसंद करते हैं, और आप अपनी बात को जितना ज्यादा सफाई से बता सकेंगे आपको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। आप किसी भी कंप्यूटर को चालू या बंद कर सकते हैं, लेकिन आप दिमाग को बंद नहीं कर सकते। इसी वजह से शांत रहना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। दुनिया में मन को एक करिश्मे के रूप में जाना जाता है, जो आराम करना और एनर्जी को इकट्ठा करना जानता है। इसलिए जब वो बोलता है तो उसे कोई सबूत या लॉजिक देने की जरूरत नहीं होती है, बस उसकी अपनी एनर्जी ही लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काफी होती है। अगर आपका मन दिन रात काम करता है तो ये कमजोर, डल और इनएफेक्टिव बन जाता है। इसलिए जहां तक हो सके मन को शांत करने के लिए ध्यान का इस्तेमाल सिर्फ तभी करें जब इसकी जरूरत हो। जब आप अपने ध्यान का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो ये एक तेज शक्ति के रूप में सामने आता है। ध्यान अकेला जरूरी धर्म है और कुछ भी इसके लिए जरूरी नहीं है, और हर कोई एक अलग टैलेंट के साथ पैदा होता है, और जब तक वो उस टैलेंट को पूरी तरह से जिंदा नहीं रखता है या अपने टैलेंट पर काम नहीं करता है, तब तक उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इस बात का एहसास उस इंसान को भी होता है। इन सारी कमियों को आप ध्यान के जरिए पूरा कर सकते हैं, इसलिए ध्यान करने की शुरुआत करें। मन सोचता है और ध्यान जानता है। हमारा दिमाग हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम अपनी नॉलेज को भी अपने दिमाग के लिए इकट्ठा करते हैं, और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। या यूं कहें, हमारी नॉलेज मन के लिए होती है, और हमारे एम्बिशंस डिजायर्स मन से ही पूरे हो सकते हैं, और हम सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का इस्तेमाल करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अपनी पूरी जिंदगी का इस्तेमाल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। हम सिर्फ बाहरी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और अंदरूनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचते। यही कारण है कि इंसान ध्यान की पोजीशन में नहीं है, और सारा समाज हमें ध्यान की पोजीशन में नहीं बल्कि मन की पोजीशन में रहने के लिए मजबूर करता है। हालांकि ध्यान सबको जानता है और मन सब सोचता है, इसलिए अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आपके मन के साथ ही चलना होगा। इसके साथ ही अगर आप अंदरूनी जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान करें। बुद्धा की साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस के बारे में दुनिया को बताया है। ये मन का एनालिसिस करने के काम आता है, और ये मन तक ही लिमिटेड होता है। ये दिमाग से 1 इंच भी बाहर नहीं निकलता है। मतलब फ्रीडन साइको एनालिसिस का गोल बहुत मान नहीं है। इनका गोल लोगों को मामूली रखना है, लेकिन जनरलिटी काफी नहीं होती है। सिर्फ मामूली बने रहने में कोई वैल्यू ही नहीं होती है। इसलिए ओशो ने बुद्धा की साइकोलॉजी के बारे में बताया है, जो ना तो एनालिसिस है ना ही सिंथेसिस। यह अतिक्रमण है जो मन के बाहर जाकर भी काम करती है। जब आप मन के बाहर खड़े होते हैं तो मन की सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि मन ही गायब हो जाता है या पर अपना कंट्रोल खो देता है। साइको एनालिसिस पेड़ों के पत्तों को काटने जैसा है और ना ही जड़ों को काटने जैसा। साइको एनालिसिस पेड़ से गिरे पत्तों को फिर से चिपकाने जैसा है, हालांकि इससे उन्हें जीवन नहीं मिलता। जबकि बुद्धा का साइको एनालिसिस पेड़ की उन जड़ों को काट देता है जो सभी तरह के न्यूरोसिस और साइकोसिस पैदा करते हैं, और इस तरह इंसान की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने मन को सोचने के लिए कितने विचार देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सही मायने में ध्यान का इस्तेमाल कर सकें, तो इसके लिए आपको अपने मन के विचारों पर कंट्रोल रखना होगा। इसके साथ ही अपने मन की तरफ जागरूक रहें, और आप मन से अलग होकर ध्यान करने की शुरुआत करते हैं तो आप सही मायने में ध्यान की खुशी को महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने मन से अलग रहें और ध्यान की शुरुआत करें। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ नॉलेज। सेल्फ अवेयरनेस सेहत है। सेल्फ अवेयरनेस के जरिए आप अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस के जरिए आप खुद की तरफ लगातार अलर्ट रहते हैं, इन बातों पर ध्यान देते हैं कि लोग आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं, वो आपको कैसे जज करते हैं, दूसरे लोगों की आपके बारे में क्या राय है। कुल मिलाकर कहें कि आपको हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं, या फिर आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी वैल्यूज को कभी समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप अपना ध्यान समझ पर लगाते हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं होती है कि लोग आपको स्वीकार करते हैं या स्वीकार करते हैं, उनकी राय क्या है। इन सभी चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई आपके पास आता है, आपको नमस्ते करता है, वो मानता है कि आप एक संत हैं, क्योंकि आप इस बात की परवाह नहीं करते कि वो क्या कहता है या वो क्या मानता है। मतलब अगर आप लोगों से उम्मीद रखेंगे कि वो आपकी परवाह करें और आपकी इज्जत करें, तो वो ऐसा बहुत ही कम मायने में करेंगे। लेकिन जब आपको इस बात की परवाह नहीं होती है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, तो आपको अंदरूनी शांति और खुशी के साथ दूसरों की इज्जत भी मिलती है। एक धार्मिक इंसान खुद का मालिक होता है, और कोई उसके लिए फैसला नहीं ले सकता। वो दूसरों की राय पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जो लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं वो खुद पर जोर देते हैं, और उनके पास कोई सेल्फ नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो इतना डरते हैं कोई भी उन्हें अस्वीकार कर सकता है। ये सभी
जो किसी न किसी रूप में दूसरों पर डिपेंडेंट है, उनका कोई सेल्फ नहीं होता है, वो अंदर से खाली होते हैं। जबकि एक इंसान जो धार्मिक होता है, वो अपनी समझ पर जोर देता है और उसके पास एक सेल्फ नॉलेज होती है और वो दूसरे लोगों की परवाह किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। जिन लोगों के पास सेल्फ नहीं होता है, वो दूसरों को सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि यही अकेला तरीका है जिससे वो खुद के लिए दूसरों का सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ध्यान आपके अंदर की सभी एनार्की को बाहर निकालने में मदद करता है। यही इन टेक्निक्स की खूबसूरती है। जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं, उन्हें चिंता कम होती है, तनाव कम होता है, वो बेहतर नींद लेते हैं। जब आप हाथों से काम करते हैं तो एनर्जी सिर से हाथों तक जाती है और फ्री हो जाती है। जो लोग अपने हाथों से काम कर रहे होते हैं, उन्हें साफ होने की जरूरत नहीं होती है। जो लोग अपने दिमाग के साथ बहुत काम करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा साफ होने की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी जमा करते हैं और शरीर से बाहर एनर्जी निकालने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं करते, और ये मन के अंदर चलता रहता है जिससे दिमाग अनबैलेंस हो जाता है। हमारे कल्चर और समाज, ऑफिस, कारखाने और बाजारों में दिमाग के साथ काम करने वाले लोगों को मेन रूप से जाना जाता है। इसके बजाय जो लोग हाथों से काम करते हैं, उन्हें रिप्रेजेंटेबल कहा जाता है, और इसी वजह से लोग अपने दिमाग से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि दुख से ही दुख का जन्म होता है और खुशी से खुशी का जन्म होता है, और उनका सोचा गया दुख भी उन्हें दुखी करता है। ये जीवन का नियम होता है। यहाँ जो कुछ भी इस तरह से दिया जाता है, उसे उसी रूप में देना भी पड़ता है। जो कुछ भी आप अपने दिमाग से असल रूप में लेते हैं, वो असल में सच हो जाता है, और जो भी आप झूठ रूप में लेते हैं, वो झूठ हो जाता है। आप अपने और अपनी पूरी दुनिया के प्रोड्यूसर हैं। आप अपनी समझ और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपनी दुनिया को बना सकते हैं। बस इसके लिए आपकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। अगर आप इसे सुख के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वही एनर्जी दुख के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आपके पास एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए काफी समय होता है, इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि आप अपनी एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर ध्यान करें। आखिर में आप दुनिया की सारी खुशियों को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान से आप अपनी समझ को डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपको दुनिया की परवाह नहीं होगी और अंदरूनी शांति और खुशी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब से हमने ध्यान की इम्पोर्टेंस और दिमाग के लिए साइलेंस की जरूरत के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अंदरूनी शांति और खुशी हासिल कर सकते हैं। बस अपने मन को शांत रखें और ध्यान करने पर फोकस करें। साइलेंस के साथ आप असल खुशी को महसूस कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा, और अंदरूनी शांति और खुशी हासिल करने के लिए आप ध्यान करना जरूर शुरू करेंगे। मेडिटेशन को एग्जैक्टली कैसे करना है, इस पर हमने एक लाइव सेशन भी लिया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको ये जानकारी अच्छे से मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुको FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। Thank for watching.